ऐसे युवकों पर लाठीचार्ज जिससे हम बच्चे का डंडा लगता तो शायद उसकी मौत भी हो सकती है। इन तस्वीरों को देखकर आप घबराइएगा मत, ये वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो योगी राज में अब बेलगाम हो चुकी है। ये वही उत्तर प्रदेश पुलिस है जो अपने आने पर ना वो बच्चियों को देखेगी और ना वो समाज के किसी भी तबके को जो एक धरना प्रदर्शन पर बैठा हो। ये वही उत्तर प्रदेश पुलिस है जो अपने आप में बेलगाम हो चुकी और कई तस्वीरों को आपने पहले देखा होगा, लेकिन ऐसी तस्वीर को नहीं देखा होगा कि जब एक पुरुष के हाथ में एक मासूम बच्ची हो और एक पुलिस वाला, और वो पुलिस वाला जो कोतवाल हो एक थानेदार का, बेरहमी से दे दनादन लाठी बरसाए जा रहा हो। और ये भी तस्वीर नहीं देखी होगी कि जब एक पुलिस वाला किसी के ऊपर बैठकर बेरहमी से पिटाई कर रहा हो। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि हम ये बातें क्यों बता रहे हैं, हमने पहली ऐसे तस्वीरें देखी हैं। तो नहीं साहब, ये आप पहली बार ही तस्वीर देख रहे हैं। अगर आपने पहले भी तस्वीरें देखी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और हमको भेजें, तो जिससे कि आने वाले वक्त में हमें सहूलियत मिलेगी ज्यादा से ज्यादा जानकारी विस्तृत करने में। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। इन तस्वीरों को आप जो देख रहे हैं सोच रहे होंगे कि ये क्या होगा, ऐसा क्या हुआ कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस अपने ही हाथों से लाठियों से एक पुरुष के ऊपर लाठियां बरसाए जा रही है। ये वही उत्तर प्रदेश पुलिस है जो कभी हेलमेट पर जाते हुए लोग, यानी सड़कों पर जाते हुए लोगों को हेलमेट बांटती है। ये वही उत्तर प्रदेश पुलिस है जो दिखावे के रूप में लोगों को फूल बांटती है। ये वही उत्तर प्रदेश पुलिस है जो अपने आने पर, यानी कि समय समय पर, कई ऐसे कार्य करती है कि जिससे इसको सम्मान मिलता रहे। लेकिन ये वही उत्तर प्रदेश पुलिस है कि जो उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्वक धरने पर बैठे लोगों पर लाठी चार्ज करने के बाद, और ऐसे युवकों पर लाठी चार्ज जिनके हाथों में मासूम बच्ची हो। साहब, यही एक पॉइंट की बात है कि मासूम बच्ची हाथों में है और पुलिस लाठियां बरसाए जा रही है। उसका पिता बोल रहा है कि सर इसकी मां नहीं है, जाने दो जाने दो जाने दो, लेकिन ये पुलिस वाला कतई सुनने को तैयार नहीं है। पहले ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरों को देखने के बाद लगा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद ये पुलिस वाला इतना आक्रामक हो गया, तो हम बताएंगे, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर देहात। उस कानपुर देहात में कुछ युवक धरने पर बैठे थे जिला प्रशासन में, यानी कि अपने जिले में। वो चीज क्या थी, यानी कि वो बात क्या थी कि जो धरने पर बैठ गए और ऐसा हुआ, तो ये भी समझिए। धरने पर बैठे थे कि जिला अस्पताल में खनन की शिकायत थी और सही से इलाज ना होने पर लोगों को असुविधाएं थी। ये बात को लेकर लोग उनके साथ महिला पुरुष, यानी कि जो वहां के कर्मचारी हैं, कई सारे लोग धरने पर बैठे थे। लेकिन पुलिस अपने रौद्र रूप में आकर वहां पर पहुंची और दे दनादन लाठी बरसाई। लेकिन लाठी नहीं बरसाई, इन लाठियों को बरसाने के बाद में जो बेरहमी से तस्वीरें वायरल हुई, वो तस्वीरें अब समाज के हर तबके के पास पहुंच रही हैं। लेकिन वहां के एसपी, जिनका नाम है केशव कुमार चौधरी, हालांकि व्यक्तिगत रूप से उनकी बात बताएंगे हम बाद में, लेकिन उससे पहले समझिए, उनका कहना है कि ये तो सिर्फ एक हल्का सा बल प्रयोग था। सुनिए। सर, थाना अकबरपुर क्षेत्र के जिला अस्पताल में हुई घटना के संबंध में जानते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के संदर्भ में अवगत कराना है कि आज जिला अस्पताल में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसका नाम रजनीश शुक्ला है, उसके द्वारा अपने 100-150 साथियों के साथ जिला अस्पताल की ओपीडी बंद कर दी गई और साथ ही डॉक्टरों को मरीजों को देखने से मना किया जाने लगा। साथ ही जो अस्पताल के कर्मी हैं और मरीज हैं उनके साथ वो अभद्रता करने लगे। इस प्रकरण में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा
जिलाधिकारी महोदय को सूचना देते हुए पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस बल वहाँ मौके पर पहुँची और रजनीत शुक्ला को समझाने का प्रयास किया, लेकिन रजनीत शुक्ला और उसके साथियों ने चौकी इंचार्ज और अन्य जवानों को भी कमरे में बंद कर दिया और उनके साथ व्यवहार करने की कोशिश की। तत्पश्चात थानाध्यक्ष पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे और उन्होंने भी रजनीत शुक्ला और उनके साथियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन रजनीत शुक्ला और उग्र होते हुए थानाध्यक्ष के अंगूठे को अपने दांतों से काट लिया और वहाँ और उपद्रव फैलाने लगा। इस स्थिति में पुलिस बल के द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग करके रजनीत शुक्ला और उनके साथियों को परिसर से हटाया गया और जिला अस्पताल की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कराया गया। उक्त वीडियो में जिस व्यक्ति के गोद में बच्चा है वह रजनीत शुक्ला का भाई है और उसके द्वारा भी भीड़ में जाके भीड़ को उकसाने का प्रयास किया जा रहा था, साथ ही जो है उपद्रव करने का भी प्रयास किया जा रहा था। उसको भीड़ से हटाने के लिए न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए पुलिस बल के द्वारा वहाँ भीड़ से हटाया गया। उक्त रजनीत शुक्ला जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी है, पूर्व में भी आपराधिक कृत्यों में शामिल रहा है। पूर्व में उप जिलाधिकारी के विरुद्ध भी इसने हमला किया था जिसके संदर्भ में मुकदमा दर्ज किया गया था और अभी यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। आज फिर उसके द्वारा यह अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया है जिसके संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। चूँकि वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें एक व्यक्ति के गोद में बच्चा है और जिस पर पुलिस बल प्रयोग कर रही है, तो इस प्रकरण की पूरी जानकारी हो, तथ्यों की सारी जानकारी हो, इसके लिए एडिशनल एसपी को जांच सौंपी गई है। साथ ही जांच की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से थाने से हटा के लाइन हाजिर किया गया है। जांच के उपरांत जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर अन्य विधिक और विभागीय कार्रवाई। केशव कुमार चौधरी इन बातों में फंसते हुए दिख रहे हैं कि आखिर ये हल्का बल प्रयोग है, तो आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि भारी बल प्रयोग क्या होता है। हालांकि उत्तर प्रदेश है, आप सब जानते हैं कि भारी बल प्रयोग क्या होता है, किसी से छिपा नहीं है, ये पुलिसिया तंत्र है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब समझिए, पुलिस का एक और पक्ष कहना है कि वहां पर एक नेता जिसका नाम है रजनीत शुक्ला, जो जिला अस्पताल में फोर्थ क्लास का कर्मचारी है, वो धरना प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन धरना प्रदर्शन करने के बाद में जब पुलिस को सूचना मिली तो वो बाकायदे हीरो के स्टाइल में वहां पहुंची और लाठियां बरसा दी। दरअसल ये व्यक्ति कौन था कि जो बेरहमी से मार रहा था, इसका नाम है विनोद कुमार मिश्रा, जो कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र का कोतवाल है। ये वही कोतवाल है जो शायद बेरहमी से मारते हुए इतना भी नहीं सोचा कि आखिरकार इसके हाथ में बच्ची है और अगर वो बच्ची के अगर लाठी या डंडा लगता तो शायद उसकी मौत भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन तस्वीरों को देखने के बाद, समझने के बाद में अगर दोनों का आकलन करें, एसपी साहब के बयान का और उस आम आदमी की तस्वीरों का, तो आप ये समझिए कि एसपी साहब का कहना है ये हल्का बल प्रयोग है और जो तस्वीरें कह रही है वो वाकई में आम आदमी के लिए शायद ये भारी बल प्रयोग है। केशव कुमार चौधरी की बात बताएं, ये व्यक्तिगत रूप से बताया जाता है कि कानपुर देहात में सरल स्वभाव के हैं, हालांकि उचित से उचित कार्यवाही हर व्यक्ति के लिए करते हैं और वैसा ही इस केस में भी हुआ। इस केस में क्या हुआ हम बताएंगे, लेकिन बात समझिए, जो रजनीश शुक्ला नाम का व्यक्ति है उसकी भी इतनी पिटाई हुई कि वो कानपुर देहात से अब वो कानपुर नगर के हैलट अस्पताल में भर्ती हुआ है। अब उसकी जिंदगी का क्या होगा वो कतई नहीं पता, लेकिन तस्वीरों जो वायरल हो गई, जो मासूम बच्ची को पीटा गया, उसको लेकर एसपी साहब ने बताया कि ये वही आदमी है, यानी कि रजनीश शुक्ला जो नेता नगरी कर रहा था उसका भाई है। हालांकि व्यक्ति कोई भी हो, भाई पिता पुरुष मायने नहीं रखता, लेकिन ये एक पुरुष था जिसके हाथ में एक मासूम बच्ची थी और ये पुलिस वाला दे दनादन लाठी बरसाए पड़ा था। लेकिन इतना ही नहीं, एसपी साहब की अगर हम बात करें तो इस कोतवाल यानी कि विनोद कुमार मिश्रा को वर्तमान समय में लाइन हाजिर किया है और एक जांच कमेटी भी बना दी है। जांच कमेटी में क्या होगा वही
चीजें निकलकर सामने आएंगी जो हर केस में होता है। लेकिन शायद योगी की पुलिस को अब इस कदर सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर बल प्रयोग करना है तो कहां करना है, कैसे करना है। सवाल यह खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में अगर शांतिपूर्वक कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे लाठीचार्ज करेगी। एक खास बात और बता दें कि आज मानवाधिकार दिवस है, यानी कि 10 दिसंबर। हालांकि बीता हुआ 10 दिसंबर, लेकिन इस मानवाधिकार दिवस के मौके पर जो मानवता का हनन हुआ है वो अब तस्वीरें पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में वायरल हो चुकी हैं। आपको हम बता दें कि नए मुद्दे की टीम जो लगी हुई है वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान, इंडोनेशिया, जकार्ता, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अन्य देशों में भी ये वीडियो देखे जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आपकी क्या राय है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरीके से बेरहमी से पीटती है, क्या ये तरीका बिल्कुल सही है? आपकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए कि जिससे कि आने वाले वक्त में पत्रकारिता की चरम सीमा यानी कि पत्रकारिता की एक जड़ मजबूत रहे, जिससे बोलने और दिखाने में सहूलियत मिल सके। नमस्कार।